गाइस, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। गाइस, जो अपने ट्रेनिंग वाले पट्ठे थे, तो एक पट्ठा तो आपको पता ही है गाइस, ये वाला है, ये रहा दुबाज पट्ठा। अभी मैंने इनको खोला है, तो गाइस जो अपना ये वाला पट्ठा था भाई, इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। देख लो भाई, ये बिल्कुल मरने को हो रहा है, और मुझे नहीं लगता अब ये जी पाएगा भाई। गर्मी के कारण भाई इसकी मतलब कंडीशन बहुत बुरी हो रखी थी। देखो, इसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं है, और इसकी हालत देखो कैसी हो गई है। रात में मैंने इसको दवाई ववाई दी थी तो थोड़ा ठीक था, अब फिर सुबह भाई इसकी हालत फिर से बिल्कुल डाउन हो चुकी है। अब मुझे नहीं लगता अब ये भाई हमारे बीच रह पाएगा। अभी इसको ये परेशान कर रहा है, तो इसको बंद कर देता हूँ। इसको बंद करता हूँ, भाई इसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई है। मुझे कल ही पता चल गया था कि ये भाई मुश्किल ही बच पाएगा, मुश्किल ही रह पाएगा, क्योंकि इसकी कंडीशन ही बता दी थी कि ये नहीं रह पाएगा, मतलब नहीं जी पाएगा। तो गाइस, इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। बस मेरे को लग रहा है अब ये थोड़ी देर में भाई इसकी डेथ होने वाली है। मैं कुछ नहीं कर पा रहा, इसको बचा नहीं पा रहा। तो आप देख रहे हो गाइस कैसी हालत हो गई है इसकी। क्या करूं जिससे कि ये बच जाए। इसको थोड़ी देर आगे कूलर के आगे बिठा देता हूं, ताकि भाई ये ठीक हो जाए। थोड़ा अभी चलता हूं कूलर के आगे बिठाता हूं थोड़ी देर। बीमार हो गया। आपको दिन में बताया था कि भाई अपना जो ट्रेनिंग वाला बच्चा था उसकी डेथ हो गई थी, तो अभी मैं वहाँ से यहाँ पे लेके आ गया हूँ, और दो जो लकवे वाले थे वो भी मर गए। तो ये रहे, तो तीनों यहाँ पे रखे हैं। एक ये रहा, तभी तो पास हो रहा, तभी तो सिस्टम लॉस हो गया। एक ये रहा, बाबा जी मर गए, वीडियो बना लिया। एक दो, और ये ट्रेनिंग वाला बच्चा ये भी मर गया। तो अभी इनको गाड़ेंगे, ले जाके इसकी मदद से खोद देंगे और वही गाड़ देंगे। तो अभी लेके चलते हैं बाहर। एक काम कर, इसको गेट को बंद कर दे, बाहर आ जा, अभी डाल दे ऐसी बाद में। ऊपर से हेलो सर, क्या हाल है भाई? काट दियो, इसने बेइज्जती कर दी मेरी, अब काट दियो। और अमित भाई जाते हुए बड़ा दुख हुआ, इनके तीन कबूतर चले गए जिंदगी से। इनका कबूतरों से बड़ा प्यार है, देख सकते हो कबूतरों से प्यार। और तीन कबूतर यार यहाँ पे तो ठोस है, मट्टी बहुत, कहीं और खोपते हैं। और हम आए हैं, देख लो कैसे घने जंगल में हम आए हैं, अमेज़न की झाड़ियों में हम रहेंगे। अब थोड़े दिन बाद, थोड़े दिन बाद यहीं रहेंगे अमित भाई। अमेज़न फॉरेस्ट में हम आ चुके हैं। वैसे तो कबूतर को घर के लिए बनाने के लिए इतनी ईंटें मंगाई इनने, इतना पैसा है कबूतर पालने से। अमित लैंडर डलवाओगे कि वो डल गया भाई, चिल्ली वाला डल गया। डल गया अभी ने चिल्ली रखी है, तो चिल्ली आ गई। अच्छा यार, कस्सी ले आता ना, सही रहा। मुझे भी कस्सी ले गई है। तो गाइस बड़ा दुख हुआ भाई, वो ट्रेनिंग वाला बच्चा था मेन, जो जिसकी डेथ हो गई है, और दो जो थे लकवे वाले थे उनकी भी डेथ हो गई है। तो भाई यहाँ पे अंधेरा हो रखा, गाड़ दिया मैंने बाकी मट्टी में, और भी छत पे चलते हैं, दिखाता हूँ आपको क्या क्या हो गया वहाँ पे। फिर पूरा भाई यहाँ पे पूरा खाली इलाका, पूरा
ये देख लो जंगल है पूरा, खुला इलाका है पूरा। तो अभी आपको आगे चल के, और अभी मैं आ गया हूँ देखो छत पे, छत पे कुछ दिख नहीं रहा, अंधेरा अंधेरा हो रखा है, और पूरा काम हो गया है, गाटर डल गए अब पे, ये सिल्लियाँ लग गई है, कल होएगा पूरा काम यहाँ का। ये जीना भाई, ये गाटर रख के बाकी कल यहाँ लगेंगे, और यहाँ से पूरी छत पैक हो जाएगी। ये ईटे पड़ी हैं यहाँ, ये गेट लग गया सिल्ली तो। लैटरिंग कहाँ गेट की? लैटरिंग का वाड़ी चुरा के ले गया है का वाड़ी? नहीं ऐसा पता रहा है, वो सूते हैं क्या वहाँ पे खाट में? रात वो तख्त लगा रखा है, रात में सोते हैं वहाँ पे। छत पे चलोगे? छत पे जाके इस पे से कूदना है तुम्हें, इसमें से बीच में से। हरकत ना कर, बना हूँ, फोन करो तेरी मम्मी को। जब जा रहे घर पे, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो भाई बहुत दुख हुआ। तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में, बाय।